बिना डाइटिंग स्थायी रूप से वजन घटाने की आनंददायी कुंजी का रहस्य भाग दो। लेखक एवं वाचक डॉक्टर सुधीर कुमार आदि महादेव प्रसाद शांडिल्य, प्रोफेसर एवं विभाग प्रमुख अस्थि रोग विभाग, अल्लूरी सीताराम राजू एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस, एलुरु, जिला पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश। भाग एक में हमने देखा कि कैसे प्रकृति ने भूखमरी से बचाव हेतु हमारे शरीर में एक सुरक्षा प्रणाली बना रखी है। इस प्रणाली का प्रयोजन प्रकृति द्वारा विशेष रूप से हिमयुग तथा अश्मयुग में मनुष्य जाति की सुरक्षा हेतु किया गया था। उन दिनों हम खुले आसमान के नीचे ठंड की विषम परिस्थितियों से जूझते। जब भी हमें कोई शिकार मिले या फल फूल कंदमूल जो भी मिले उसे खाकर अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते थे। उन दिनों हर रोज हमें भोजन मिलेगा ही ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही हमारे पास आज के जैसे फूड स्टोर्स थे, ना ही कोई रेफ्रिजरेटर थे। उन दिनों कभी हम भोजन करते तो कभी हमें बिना भोजन के भी रहना पड़ता। यानी उन दिनों हमारे भोजन की पद्धति बारी बारी से भोजन एवं उपवास की थी, जिसे हम अंग्रेजी में अल्टरनेट फिस्टिंग एंड फास्टिंग पैटर्न कहेंगे। हमारे शरीर में प्रकृति ने इस प्रकार के भोजन प्रणाली के अनुरूप सारी व्यवस्था का निर्माण पहले से ही कर रखा है। अपितु मैं तो यह कहूंगा कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम नैसर्गिक भोजन प्रणाली अल्टरनेट फिस्टिंग एंड फास्टिंग की ही है। और यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि अश्मयुग में कभी मोटापे की समस्या थी ही नहीं। हमारे शरीर के वजन संबंधी अनसुलझे पहेली का यह दूसरा पहलू था। हम अपने अगले वीडियो में एक अन्य पहलू के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। कृपया लाइक एवं शेयर जरूर करें।